हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है करंट राइज इन इंडक्टर। एक इंडक्टर चार्जिंग टाइम पर उसमें उसकी जो क्या इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, क्या उसका ग्राफ होता है, किस तरीके से टाइम के रेस्पेक्ट में करंट इंडक्टर के अंदर राइज होती है, ये हमें स्टडी करना है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी और एसी वाले बच्चों के लिए भी। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। तो एक हमने आरएल सर्किट मान लिया है, एक रेजिस्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ आर और एल मान लिया है हमने, ये इंडक्टिव और रेजिस्टिव सर्किट है। और एक बैटरी लगा दी है चार्ज करने के लिए हमने, और एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पर हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, और टाइम टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं कि टाइम जीरो से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। उस टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इस स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस सोर्स से जो वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस इंडक्टिव सर्किट में, आरएल सर्किट में। जैसे करंट फ्लो शुरू होगा होना, आपका इंडक्टेंस धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें देखना है कि इसकी जो चार्जिंग प्रोसीजर है वो टाइम के साथ कैसे कैसे, वो किस रेट से चार्ज हो रहा है, उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें केवीएल लगाते हैं, ये जो लूप बन रहा है। जैसे ही स्विच हमारा क्लोज होगा, इस लूप में हम केवीएल लगाएंगे। केवीएल सिंपल, वी इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, वी इज इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू आर। और इंडक्टेंस का वोल्टेज अगर देखें हम, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ था, उसमें जो एक इंडक्टर का जो फॉर्मूला आया था वोल्टेज का एक कॉइल में, वो था एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे, एल इंटू डी आई बाई डी टी, इसको याद रखेंगे। ये वोल्टेज है हमारा इंडक्टर में। तो इक्वेशन हुई हमारी वी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पर आपने जब केवीएल लगाया तो दिस वोल्टेज, ये तो वोल्टेज बट रहा है दोनों में, इसमें आर और एल में, तो दिस वोल्टेज वी इज इक्वल टू ये वाला वोल्टेज आई इंटू आर प्लस दिस वोल्टेज एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, ये इक्वेशन होगी हमारी। हमने आई इंटू आर को इधर ले आए, वी माइनस आई आर, तो ये हो गया एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई जो है हमारा, हम आई वाले जो आई के टर्म्स हैं इनको एक साथ रखेंगे, जहां पर आई है इस डी आई के नीचे हम वी माइनस आई आर को ले आएंगे। तो डी आई अपॉन वी माइनस आई आर, डी टी को इधर ले जाएंगे, डी टी को इधर, और डी टी के नीचे एल हो जाएगा, डी टी बाई एल, डी टी बाई एल हो गया। देखो डी टी इधर चला गया, ये डी टी आ गया, और एल नीचे आ गया, डी टी बाई एल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम तो आगे हम थोड़ा देखें इसको, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस आर ऑन बोथ साइड्स, माइनस आर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरत भी नहीं है करने की। अगर आप कर देते हो तो देखो इसमें आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हमने दोनों तरफ माइनस आर की कर दी, तो माइनस आर डी आई बाई बी माइनस आई आर हो गया, और इधर माइनस आर बाई एल हो गया डी टी। ठीक है जी, आगे देखेंगे। अब हमें एक्चुअली, हमने माइनस आर की मल्टीप्लाई करी क्यों थी उसको आप समझेंगे। यहाँ पर हमें हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास है डी आई, अगर हमें आई निकालना है डी आई से, डिफरेंशिएशन है करंट का, अगर हमें आई चाहिए तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जी। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जैसे ही, तो जो वी माइनस आई आर है वो नीचे डिनोमिनेटर में, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स, वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग एक्स होता है। ऐसे वी माइनस आई आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वी माइन लॉग वी माइनस आई आर। ठीक बात है, लेकिन जो माइनस ये माइनस आर जो है कॉन्स्टेंट है, ये नीचे आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे हम तो नीचे आएगा माइनस आर, माइनस आर इसके नीचे आया, माइनस आर कॉन्स्टेंट, और माइनस आर अपने ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दी थी, तो माइनस आर से माइनस आर कट गया, तो हमारा बचा लॉग ही वी माइनस आई आर। ठीक है ना, हमने माइनस आर ऊपर ले लिया था ऑलरेडी, जो हमने वन अपॉन वी माइनस आई आर का इंटीग्रेशन किया, तो उसका इंटीग्रेशन आया लॉग वी माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, माइनस आर से माइनस आर कट गया, तो हमारा ये बच गया। ठीक है ना, और ये माइनस आर बाई एल ये कॉन्स्टेंट है ही। जैसे हम वन का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स, तो एक्स आता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन वन इंटू डी टी करेंगे तो टी आएगा, तो ये आया माइनस वन अपॉन माइनस आर बाई एल इंटू टी। देखो वन का इंटीग्रेशन वन है बेसिकली, ये माइनस आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन आ गया टी, प्लस के आ गया एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के हमारा। अब हम आगे देखेंगे इसमें, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेंगे हम लोग। इक्वेशन वन आ गई हमारी, ये एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर हमने स्विच जैसे ही क्लोज किया था, जैसे स्विच को हमने क्लोज किया है सर्किट में, तो तुरंत हमारी करंट फ्लो होना शुरू नहीं करेगी, इट विल टेक सम टाइम ना, कुछ समय लेगी करंट फ्लो होने में। तो अगर हम कहें कि टी इक्वल टू स्विच क्लोज करते ही करंट कितना होगा,
तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जीरो करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में, धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, बट टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब ये टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर वन है हमारी, इस इक्वेशन नंबर वन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो देखेंगे आई की जगह जब हमने जीरो पुट किया, टी की जगह भी हमने जीरो पुट किया, तो लॉग ई वी बचेगा खाली, यहाँ वी माइनस जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू ये पूरा जीरो हो जाएगा, टी टी जीरो है, प्लस के के, यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई, के इक्वल टू लॉग वी, के इक्वल टू लॉग बेस ई वी हो गया हमारा ये। तो इस के की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर वन में, तो आगे देखो क्या होगा जी, वन में पुट करेंगे तो लॉग ये वन है हमारी, यहाँ पे के की जगह क्या आ गया, के की जगह आ गया लॉग वी बेस ई, ठीक है ना। इसको लॉग वी को इधर ले जाओ लेफ्ट साइड में, ये इधर आ गया माइनस का, ठीक है ना, ये ऐसा कैसे यहाँ बच गया। अब यहाँ लगाओ log m माइनस log n का फॉर्मूला, इसमें log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, तो ये हो गया log v माइनस आई आर अपॉन v, log m अपॉन n से, और ये हमारा ऐसा का ऐसे ही हो गया, इधर इधर हो गया हमारा माइनस के आर बाई एल इंटू टी। देखो ये e घटा दो यहाँ से, e बेसिकली यहाँ नहीं है, ये e को इसको आप, ये e नहीं है, ये माइनस आर बाई एल इंटू टी होगा, माइनस आर बाई एल इंटू टी, ये e नहीं है यहाँ पे, e अब आएगा नीचे वाले स्टेप में, v माइनस आई आर अपॉन वी, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें v माइनस आई आर अपॉन वी की वैल्यू, तो जो लॉग बेस e है वो इधर जाकर, देखो इधर जाएगा जब ये लॉग जब इधर जाएगा तो e आ जाएगा, जब लॉग इधर जाता है तो क्या आ जाता है, e आ जाता है, तो e की पावर माइनस के r बाई एल इंटू टी, e की पावर है, देखो यहाँ नहीं लगाएंगे, नीचे वाले स्टेप में लगाएंगे, e की पावर माइनस के r बाई एल इंटू टी, ठीक है ना जी। आगे बढ़ो, आगे हो गया हमारा v माइनस आई आर, इस v को इधर ले जाओ, v माइनस आई आर इज इक्वल टू वी इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है ना। अब इस वी को भी इधर ले जाएंगे, आप ये कहो कि आई आर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, आई आर को इधर ले जाओ भैया और इसको इधर ले जाओ, तो आई आर इक्वल टू वी कॉमन ले लो दोनों में से, वी इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। देखो वी कॉमन लेंगे ना, जब हम वी कॉमन, यहाँ वन है और यहाँ क्या बचेगा, वी कॉमन लेके ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, तो आई आर की वैल्यू ये होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, आर को नीचे ले जाओ, वी बाई आर वन माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, सिंपल मैथमेटिक्स है, ध्यान से करेंगे हम लोग, क्लास में भी एक दो बार मैंने दो बार समझाया क्लास में कम से कम, ये रिवीजन सेशन चल रहा है बेसिकली हम लोगों का, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आएगा। अब जो ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस के आर बाई एल, यहाँ पर एल बाई आर जो होता है, अगर हम एल बाई आर को देखें तो इसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट एल बाई आर, और इसको टाओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाओ से लिखाते हैं एल बाई आर को, तो e की पावर माइनस के टी बाई टाओ हो जाएगा, टाओ की वैल्यू क्या है एल बाई आर, देखो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस वन माइनस टी अपॉन एल बाई आर, लिख सकते हैं ना e की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, e की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, और एल बाई आर की वैल्यू क्या है टाओ, तो ये हो गया e की पावर माइनस के टी बाई टाओ, ये टाओ है, जो c लग रहा है देखने में बेसिकली टाओ, टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो ये हमारी आ गई चार्जिंग टाइम पर जो करंट है इंडक्टर में, एक इंडक्टिव सर्किट में वो क्या हुआ, इस तरीके का हुआ, एक आरएल सर्किट में करंट राइज करेगा, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से ये हम इसको प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो जी इस इक्वेशन में हमें एक्चुअली करंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, कि करंट हमारा टाइम के साथ साथ कैसे राइज कर रहा है एक इंडक्टर में, वो हमें देखना है। तो हम यहाँ अगर टी इक्वल टू जीरो पुट करें, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जहाँ टाइम जीरो है, तो वैल्यू क्या होगी जी करंट की, देखो अगर हम इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर माइनस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट हो गया टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू क्या है जीरो है, तो हमारा ग्राफ इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम अगर देखें भैया कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू टी इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत काफी समय के बाद हमारा जो इंडक्टर में करंट है वो कितना पहुंच जाएगा, काफी लंबे समय के बाद देखें, अगर हम हमने इनफाइनाइट मान लिया, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो गया, खाली वन बचा, वन इंटू वी बाई आर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई वी बाई आर, वी बाई आर वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा इंडक्टर, आई इक्वल टू वी बाई आर बचेगा टी इक्वल टू इनफाइनाइट। हमने देखा टी इक्वल टू इनफाइनाइट बहुत आगे जाकर जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वी अपॉन आर, ये वैल्यू वी अपॉन आर आएगी, ये जो इससे v अपॉन आर से मिलेगा इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है ना, तो ये पॉइंट क्या मिला हमारा v अपॉन आर, चलो जी ठीक है। एक पॉइंट और देखें, अगर हम t इक्वल टू टाओ पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, t की जगह टाओ, टाओ नीचे भी हम ऊपर भी टाओ पुट कर दें टाइम कांस्टेंट, तो e की पावर माइनस टाओ अपॉन टाओ, तो क्या होगा e की पावर माइनस वन,
ई की पावर माइनस वन की वैल्यू होती है 0.38 समथिंग वैल्यू आती है, 3732 ऐसे कुछ वैल्यू आती है। तो 1 माइनस 0.32 करेंगे तो आएगा हमारा 0.37 समथिंग ऐसे वैल्यू आएगी। 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 0.632। तो वी अपॉन आर इंटू 0.632, तो 0.632 वी अपॉन आर। टी इक्वल टू टाउ पर वैल्यू कितनी आई, 0.632 वी अपॉन आर, ये वी अपॉन आर है आई की वैल्यू। तो टाइम कॉन्स्टेंट यदि हमारी जो समय है वो टाइम कॉन्स्टेंट तक है, उस टाइम तक हमारा जो इंडक्टर में करंट आएगा वो 63.2% आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर, और ये वैल्यू कितनी है 63.2% ऑफ वी अपॉन आर। यहाँ से हम टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं कि टाइम कॉन्स्टेंट है क्या। अगर पूछे आपसे कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो यह वह समय है, यह वह टाइम है जिस टाइम पर, ये वो टाइम है जिस टाइम पर हमारा जो करंट है वो अपनी अधिकतम, इस अधिकतम वैल्यू का 63.2% तक हो जाता है, चार्ज हो जाता है। सो टाइम कॉन्स्टेंट इज अ टाइम वेयर योर करंट राइजेस टू इट्स 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू। करंट हमारा बढ़कर 63.2% हो जाता है इसकी फाइनल वैल्यू का। ये हमारा टाइम कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन होती है इस ग्राफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। वीडियो को आप दोबारा पीछे करके इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया करंट राइज इन इंडक्टर, पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये करंट राइज इन इंडक्टर हो गया। ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के सिलेबस में है, दोनों लोग ध्यान से देखेंगे। अब करंट डीके इन इंडक्टर, करंट जो एक बार हमारा जो इंडक्टर है वो चार्ज हो गया, अब करंट हमारे इंडक्टर डिस्चार्ज कैसे होगा। अब हम बैटरी को सर्किट से अलग हटा देंगे और जो जिस वैल्यू से हमारा इंडक्टर ये चार्ज हुआ था आरएल सर्किट, ये इंडक्टर वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा इस लोड में, रेजिस्टेंस में, इसमें डिस्चार्ज होना शुरू होगा। देखो पहले सर्किट ये ऐसा सर्किट था ये हमारा ऐसे, ठीक। अब हमने क्या किया, एक स्विच यहाँ लगाया, हम कह सकते हैं आप इस पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे ऐसे करके, एक स्विच लगाएंगे जो स्विच नीचे कनेक्ट करेगा इस वायर से। तो आपकी देखो बैटरी जो है, अब हम देखें कि बैटरी जो है हमारी इस सर्किट से अलग हो गई है, तो बैटरी ओपन हो गई ना, तो अब करंट तो जाना बंद हो गया बैटरी से। अब आपका जो इंडक्टर चार्ज हुआ था वो इस वाले लूप में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हम इस जो स्विच है आपका, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। अब दोबारा हम अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और चेक करेंगे भैया कितने टाइम पर ये डिस्चार्ज होता है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो से टाइम को नोट करना शुरू करेंगे। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू कितनी रही होगी, चार्ज हुआ था हमारा, माना कैपिटल आई वैल्यू से चार्ज हो गया था इंडक्टर हमारा, अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर करंट की वैल्यू जो होगी इंडक्टर में वो हम मान लेंगे आई है। अब आई से वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। चलो करना शुरू करते हैं। अब ये वाला जो सर्किट बचा हमारा, वी तो हट गया, अब इस वाले सर्किट में केवीएल लगा दो। पहले जब ये वाला सर्किट यहाँ जुड़ा हुआ था तो केवीएल था वी इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, अब वी हो गया जीरो, तो खाली वी को जीरो कर दो। पहले वी इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी था, अब वी तो हो गया जीरो, अब गया आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसको सॉल्व करेंगे, आई वाले एक साथ कर लो जी, जो हमारा आई वाला है इसको एक साथ कर लो। पहले तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले गए हम, इस वाले को इधर ले जाओ। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आई आर, इसी स्टेप पढ़ा देना, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ माइनस के आई आर। अब आई को लाओ नीचे किसके, डी आई के, डी आई बाई आई, और डी टी को ले जाओ इधर और एल को ले जाओ नीचे, ठीक है ना, और आर को छोड़ दो यहीं पे, ठीक। डी आई बाई आई, ये आई आ गया नीचे डी आई के, माइनस आर यहीं रह गया, एल नीचे आ गया इसके, डी टी ऊपर पहुंच गया, ठीक। माइनस आर बाई एल डी टी डी आई बाई आई, हमें चाहिए आई, तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, ऐसी 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन लॉग आई होगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे वन का इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो एक्स आता है, ऐसी 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो टी आएगा। तो ये लॉग आई माइनस के आर बाई एल इंटू टी, लॉग आई, देखो इसका लॉग आई आ गया, इसका आ गया माइनस आर बाई एल इंटू टी, और एक कॉन्स्टेंट के आ गया। अब हम पुट करेंगे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जब स्विच हमने क्लोज किया था तो हमारा इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कौन सी वैल्यू से, कैपिटल आई से, कैपिटल आई तक हमारा चार्ज हो गया था। तो टी इक्वल टू जीरो पर करंट आई की वैल्यू क्या है, कैपिटल आई, इसको पुट कर दो वन में, तो ये आ गई लॉग आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल, ये टी इक्वल टू जीरो प्लस के, ये हो गया जीरो, तो के की वैल्यू आ गई लॉग आई, यहाँ पर पुट कर दो के की वैल्यू को लॉग आई, तो और इसको इधर ले जाओ, इसको कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, लॉग आई माइनस के लॉग बेसी स्मॉल आई माइनस के लॉग कैपिटल आई स्मॉल ई इक्वल टू माइनस के आर बाई एल इंटू टी, ठीक है ना, लॉग एन माइनस और लॉग एन लगाओ,
तो लॉग एम अपॉन लॉग एन हो जाएगा माइनस के आर बाई एल इंटू टी। अब आई बाई कैपिटल आई जब ये लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ये हो गया ई की पावर माइनस के आर बाई एल इंटू टी। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है जो अभी पीछे हमने चार्जिंग टाइम पे किया था, वही है लगभग। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये है कैपिटल आई इंटू e की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, इसको लिख दिया हमने e की पावर माइनस के t अपॉन l बाई आर, e की पावर माइनस के t अपॉन l बाई आर, इस r को हम l के नीचे ले जाओ और l बाई आर होता है टाइम कॉन्स्टेंट tau, तो इक्वेशन आ गई आई इक्वल टू कैपिटल आई इंटू ई की पावर माइनस टी बाई tau। ठीक है जी, अब जो हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपका जो इंडक्टर है वो डिस्चार्जिंग मोड में डिस्चार्ज हो रहा है, करंट घटना शुरू होगी, करंट कम होना शुरू होगी। इस इक्वेशन में यदि मैं t इक्वल टू जीरो पे पुट कर दूं, t इक्वल टू जीरो पे देखूं तो e की पावर माइनस जीरो वन होता है, तो i इक्वल टू कैपिटल i, तो t इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर जहां टाइम समय जीरो है वहां करंट की वैल्यू आई हमारी निकल के क्या, ये कितनी कैपिटल i, कैपिटल i निकल के आई ना, t इक्वल टू जीरो पे पुट किया हमने, t इक्वल टू जीरो e की पावर माइनस जीरो, e की पावर माइनस जीरो वन होता है, तो क्या बचा स्मॉल i इक्वल टू कैपिटल i, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब हम देखते हैं भैया इनफाइनाइट पे कितना होगा, कि बहुत लंबे समय के बाद हमारे इंडक्टर में कितनी वैल्यू बचेगी करंट की। अगर मैंने e की पावर माइनस इनफाइनाइट पुट किया यहाँ पे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो, तो i इंटू जीरो जीरो हो गया, करंट हमारा जीरो हो जाएगा, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट आगे वही इनफाइनाइट पॉइंट पर करंट की वैल्यू घटते 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 क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के डिस्चार्जिंग के टाइम का ग्राफ है। तो ये दोनों टॉपिक काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल एसी वाले बच्चे इन दोनों टॉपिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम लोग, एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड वोल्टेज इन ए कॉइल ऑफ 3754 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.75 हेनरी इंडक्टेंस, इफ करंट इज 1.264 एम्पीयर फ्लोज फॉर 1.5 सेकंड। ये कह रहा है कि वोल्टेज एक आर दिया हुआ है और एक आरएल सर्किट है बेसिकली, जिसमें आर की वैल्यू ये है एल की वैल्यू ये है। ठीक है, इसमें यदि हमारा करंट 1.264 एम्पीयर का करंट 1.5 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो कह रहा है कि वोल्टेज कितना रहा होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू, तो चार्जिंग की बात कर रहा है, चार्जिंग टाइम पर इक्वेशन हमारी हमने प्रूफ किया है i इक्वल टू वी अपॉन आर 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाओ या e की पावर माइनस t r बाई l, टाओ की वैल्यू l बाई r होती है, तो ये हमने प्रूफ कर चुके हैं पीछे हम चार्जिंग वाली इक्वेशन में i इक्वल टू वी अपॉन आर e की पावर माइनस t बाई t इंटू r बाई l, r दिया हुआ है 3754, एल दिया हुआ है 0.75, टी दिया हुआ है 1.5 सेकंड, आई दिया हुआ है कितना 1.264, निकालना क्या है कैपिटल वी निकालना है, तो वी निकालो, वी इक्वल टू आर इधर पहुंच गया, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट वाला है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, आई की वैल्यू पुट कर दो 1.264, आर की वैल्यू पुट कर दो 3754, ये 3754 ध्यान से देखना इसको, यहाँ 7 मिस कर दिया है, 3754 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस r बाई l, 3754 अपॉन 0.75 इंटू t 1/5, सॉल्व जब इसको करेंगे तो हमारे v की वैल्यू आएगी 7.5064 वोल्ट, तो ये v की वैल्यू आ गई हमारी 7.5064 वोल्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं, आगे देखेंगे एडी करंट लॉस, इसी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे सिलेबस में देख लेंगे, अगर उनका है सिलेबस में तो वो भी पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए वैसे एडी करंट लॉस दोनों बच्चों को, इलेक्ट्रिकल वालों को तो काफी इंपॉर्टेंट, आगे भी जब हम नेक्स्ट सेमिस्टर्स में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको एडी करंट लॉस के बारे में पता होना चाहिए, सभी मशीन्स में होता है। तो एडी करंट लॉस बेसिकली क्या है, ये लॉस क्या कहता है कि सुनो ध्यान से सुनने वाली बात है कि जैसे हम लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा, फैराडे लॉ पढ़ा है कि जब चेंजिंग फ्लक्स जो है, एक फ्लक्स जो समय के साथ बदल रहा है, वो यदि किसी कॉइल के साथ या कंडक्टर के साथ मिलता है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है ना, उसी तरीके से यदि कोई कोई हमारा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ये कह रहा है जब चेंजिंग फ्लक्स, व्हेन चार्जिंग नहीं चेंजिंग, व्हेन चेंजिंग और अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक करता है, मिलता है जाके किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, वो मैग्नेटिक कोर हो सकती है, मैग्नेटिक कोर मतलब जिसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, वो मटेरियल जिसके ऊपर हमारी वाइंडिंग होती है, देखो वाइंडिंग से तो हमारा चेंजिंग फ्लक्स मिलता ही मिलता है, जिस कोर के ऊपर वाइंडिंग कर रखी है, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो जब उसमें हम उसमें जो कोर पे वाइंडिंग कर रखी है उसमें तो फ्लक्स लिंक करेगा ही करेगा, कोर के साथ भी लिंक करता है, तो कोर में लिंक करता है फ्लक्स, कॉइल में करता है, वाइंडिंग में करता है, तो वो सिंपल फैराडे का नियम है ही है, उस वाइंडिंग में ये फायदा होता है। अब ये कहता है कि ये चेंजिंग फ्लक्स मैग्नेटिक कोर जिस पर वाइंडिंग हो रही है, मैग्नेटिक कोर पे, उस पर लिंक करता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, तो फैराडे के नियम के अनुसार उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी ईएमएफ पैदा हो जाता है मटेरियल में। ठीक है,
तो उस ईएमएफ की वजह से कह रहा है दैट मटेरियल ड्यू टू विच ए सर्कुलेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल, तो उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं, ठीक है। और इस एडी करंट की वजह से जो उस मटेरियल में हीट पैदा होती है, लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। ये उसका फॉर्मूला है, एडी करंट लॉस इक्वल्स टू के ई, ये कॉन्स्टेंट है, फ्रिक्वेंसी क्या रही होगी, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, और ये थिकनेस बेसिकली है टी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वी। ये थिकनेस है हमारी जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी, और ये उसका वॉल्यूम वी है। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला है एडी करंट लॉस का, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। दोबारा मैं एक बार रिपीट करूँ कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मैग्नेटिक कोर है जिस पर वाइंडिंग करते हैं हम लोग, उसमें यदि कोई चेंजिंग फ्लक्स जो समय के साथ चेंज हो रहा है वो उसके साथ लिंक करता है, तो फैराडे के नियम से उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, और उस ईएमएफ की वजह से उस मैग्नेटिक मटेरियल में करंट सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम एडी करंट या भंवर धारा बोलते हैं हिंदी में। और उस एडी करंट लॉस से जो उस मैग्नेटिक मटेरियल में हीट पैदा होती है, लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। इससे होते क्या है, हमने देखा कि हीट पैदा होगी तो मैग्नेटिक मटेरियल गर्म हो जाएगा, कोर हमारी गर्म हो जाती है, और इससे कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी कमी हो जाएगी, किसी मशीन के अंदर एडी करंट लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब मीनिंग क्या है कि हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। इसको कम कैसे करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेमिनेशन बेसिकली क्या है, हम एक सॉलिड मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करने के बजाय उसकी पतली पतली पत्तियां इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर देखा होगा, उसमें पतली पतली पत्तियों से कोर बनाते हैं, ई टाइप, एल टाइप, आई टाइप, पतली पतली पत्तियां होती हैं। हम सॉलिड भी यूज कर सकते हैं कोर, बट हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये एडी करंट लॉस था, आप लोग सब इसको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग, अगली वीडियो में आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा इसके, एसी सर्किट्स के बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजें देखेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू बच्चों, सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड लक।